हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन आशा स्पाइसेस सिंपल इजी एंड क्विक रेसिपीज। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सांभर दाल, जो एक साउथ इंडियन स्पाइसी टेंगी टेस्टी डिश है। यह इतना ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिकता से भरपूर है कि इसे हर रोज़ खाने में बनाया जा सकता है। इसे चावल, इडली, वड़ा, उपमा, डोसा आदि साउथ इंडियन डिशेस के साथ परोसा जाता है। तो आइए देखते हैं मेरी बनाई हुई सांभर की रेसिपी का तरीका। वेजिटेबल सांभर दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप तुअर दाल या अरहर दाल ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और अब इसे हम कुकर में ऐड करेंगे। यहाँ पर एक कप तुअर दाल लिया है, तो इसमें हम दो कप पानी ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, और सबको मिलाकर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगने तक हम इसे कुक कर लेंगे। और दाल अब कुक हो चुका होगा तो गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने तक के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ पर दाल अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो इसे एक अलग बाउल में ट्रांसफर करके रख लेंगे। अब हम सांभर मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन को हम मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच उड़द दाल का, 1 बड़ी चम्मच चना दाल, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों के बीज, 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी चम्मच साबुत मेथी, 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच ड्राई कोकोनट ग्रेटेड या पाउडर, 4 सूखी हुई लाल मिर्च। और इन सबों को मिलाकर हम लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे या जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए तब तक भूनेंगे। आप ड्राई कोकोनट की जगह पर कच्चे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और एक मिक्सर जार में इसे डाल देंगे और ग्राइंडर में इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और हमारा सांभर मसाला बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइन है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल कर अलग करके रख लेंगे और जब हम सांभर बनाएंगे तो सांभर मसाला पाउडर का यूज़ करेंगे। और इस सांभर मसाला पाउडर को आप एयर टाइट जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब सांभर में यूज करने के लिए मैंने कुछ सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर डाइस में काट लिए हैं। मैंने लिया है 2 ड्रम स्टिक, 1 बड़ी कटोरी लौकी, 1 छोटी कटोरी गाजर, 1 बड़ी कटोरी बैंगन, 1 प्याज, 1 बड़ी कटोरी पंपकिन, 1 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और 4 से 5 बारीक कटे हुए लहसुन, 2 टमाटर भी लेंगे जिसे हम बाद में ऐड करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई को गरम करेंगे। ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच के लगभग सरसों तेल, आप नारियल तेल या रिफाइंड तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच सरसों के बीज और 2 सूखी हुई लाल मिर्च और इसे थोड़ा कड़कने देंगे। जैसे ही सरसों और लाल मिर्च थोड़ा सा कड़क जाए ऐड कर लेंगे 10 से 12 करी के पत्ते और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच हींग का। हींग ऐड करना ना भूलें, हींग ऐड करने से सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए प्याज और इन सब को मिलाकर कुछ सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे हमारी कटी हुई सब्जियां, ड्रम स्टिक, पंपकिन, बैंगन, गाजर, लौकी और सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। और अब इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच गुड़ का, आप गुड़ की जगह पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 बड़ी चम्मच इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली को गर्म पानी में 5 से 10 मिनट भिगो दें और हाथों से ही मैश करके बीज निकाल लें तो हमें पल्प मिल जाएगा और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इमली और गुड़ के फ्लेवर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए मैंने चीनी नहीं गुड़ ऐड किया है। और इसमें ऐड कर लेंगे नमक, नमक थोड़ा कम ही यूज़ करें क्योंकि हमने दाल में भी नमक का यूज़ किया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला पाउडर जो हमने पहले तैयार करके रखा था और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा और भून लेंगे।
और अब सब्जियां आधा से ज़्यादा पक चुकी हैं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमने जो तुअर दाल या अरहर दाल को कुक करके रखा था उसे, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐड कर लेंगे 2 कप के लगभग पानी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाए ऐड कर लेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 1 प्याज। इनको पहले ऐड कर देते तो ये मैश्ड हो जाते, इसीलिए मैंने बाद में ऐड किया है। और इसे भी 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे 8 से 10 बारीक कटे हुए करी के पत्ते। आप धनिया के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा और पका लेंगे। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, पर कुकर में सब्जियों के ओवर कुक होने का डर रहता है और जब सब्जियां कढ़ाई में बनाते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे सर्विंग बाउल में और मैंने इसे गार्निश कर लिया है करी के पत्तों से। और आज मैं सर्व करूंगी गर्मा गर्म इंस्टेंट डोसा और चटनी के साथ। आप भी इसे चावल डोसा या वड़ा या इडली के साथ सर्व कर सकते हैं, टेस्टी भी हेल्दी भी। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें सांभर की रेसिपी और मुझे कमेंट करना ना भूलें ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी बनाई हुई वेजिटेबल सांभर दाल की ये रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और बाकी की रेसिपीज भी अच्छी लग रही होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।